हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी ब्लॉग्स। सो गाइस, आज का इस ब्लॉग में एक फेमस रेस्टोरेंट मिला जो कि प्लेटफॉर्म 65 का नाम से भी पहचानते हैं सब लोग। तो अभी रैपिडो बुक कर लिया है मैंने, आ रहे हैं रैपिडो। तो रैपिडो आने तक इंतज़ार करते हैं, उसके बाद चलते हैं प्लेटफॉर्म 65। टॉय ट्रेन रेस्टोरेंट है वो, देखते हैं कैसा सर्विस रहते हैं वहाँ पर। तो देर किस बात की, थोड़ा वेट कर लेते हैं रैपिडो आने तक। बहुत ही धूप में घूमने के बाद अभी फाइनली पहुंच चुका हूँ 7th फ्लोर पे। एक रेस्टोरेंट एक्चुअली गवर्नर बंगला अपोजिट टू सिग्नल में मौजूद है और कुछ इस तरह आपको एंट्रेंस रहेगा। रिजर्वेशन काउंटर लगे मोबाइल नंबर 90। नेम अनिल। एंट्रेंस होने के बाद पहले रिजर्वेशन करना पड़ेगा हम लोगों को, उसके बाद वो लोग देखेंगे, सीट देख के देंगे प्लेस। तो मेरा अभी एंट्रेंस हो गया रिजर्वेशन, लेकिन अभी अकेला हूँ तो शेयरिंग पे ले जा रहा हूँ। स्पेशल है ये, तो अभी आ चुका है और चिकन बिरयानी आना बाकी है। वो आने के बाद खाना शुरू करते हैं। तो अभी मेरा आ गया है नॉन वेज सीबी। दिखने में तो बहुत क्वांटिटी लग रहा है, मैं उतना नहीं खा पाऊँगा, देखते हैं कितना खाते खाते टेस्ट भी देखना है ना। आप लोग भी अगर नॉनवेज खाते हो तो स्टार्टर्स में ये अचार पनीर मंगाइए, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा है टेस्ट। मज़ा आ गया, उतना मसाला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, अच्छा है। जस्ट अभी खाना खा के नीचे उतरे और यहीं पे नज़दीक में एक बूढ़ा पार्क बोल के है, वॉकेबल है, लेकिन आना बहुत हो गया तो रैपिडो बुक कर लिया मैंने। अभी जस्ट आते ही वाला होगा रैपिडो, तो रैपिडो आने के बाद चलते हैं बूढ़ा पार्क। तो अभी रैपिडो से सीधा आके पहुँचे हम बूढ़ा पार्क, वहाँ पे देख सकते हो आप। पार्क में क्या क्या की चीज़ अवेलेबल है वो पूरा इसमें है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर नहीं दिख रहा है तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। जैसे कि वो बोर्ड पे लिखा था बोटिंग भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बोटिंग भी कर सकते हैं लोग, लेकिन भाई धूप में बोटिंग हमसे नहीं होगा, सिर्फ देख के जाएंगे हम। वो जो आपको लाइन दिख रहा है उसके बाद आपको समुद्र मिलेगा, लेके जाऊंगा, जुड़े रहिए वीडियो पे। यहाँ पे आउटडोर जिम भी मिल जाएगा आप लोगों को। We'll be right back.
थोड़ा थोड़ा स्लाइड्स वगैरह अलग से लेके सब कुछ है यहाँ पे बच्चे लोग के लिए। वहाँ पे बोटिंग है, जस्ट वो बोटिंग का क्रॉस करके लेने यहाँ पे आने से इट्स द बीच। बीच के पास रहने से उसका मज़ा ही कुछ अलग है, एक शांति सा महसूस होता है। नहाने के लिए मन हो रहा है लेकिन अकेला आया हूँ तो ये पूरा कैमरा वगैरह पावर बैंक वगैरह पूरा है, दो दो मोबाइल से तो छोड़ के नहीं रह सकता हूँ ऐसा। अगर कोई भी टूट लिया तो क्या ख़त्म, टाटा बाय बाय। बुढ़ा पार्क से बिल्कुल अंदर आके ये जो बीच मिलेगा, यहाँ से लेके फोर्ट एरिया इस तरफ और यहाँ से बोट एरिया से लेके उस तरफ टेनेट बीच आएगा, टेनेट पार्क बीच उतना तक ये पूरा आरके बीच है, रामकृष्णा बीच। अभी टाइम हुआ है 4:45 शाम का और नज़ारा एक बार देख लीजिए। यही एक्चुअली ये टाइम होता है बीच में घूमने का, एकदम मज़ा आ जाएगा ये टाइम में अगर आप लोग बीच में घूमेंगे तो। मेरे को लगता है अभी पार्क में कुछ एक्टिविटीज होने वाला है क्योंकि शाम का टाइम में वहाँ यहाँ का लोकल जो है वहाँ पे आके साइकिलिंग वगैरह सब कुछ करते हैं, स्केटिंग वगैरह सब कुछ करते हैं। चलो कोई ना, और थोड़ा बीच घूम लेते हैं उसके बाद फिर अंदर चल के थोड़ा पार्क का मज़ा लेके फिर चलते हैं। इतना अच्छा सुंदर बीच है और यहाँ पे दारू पी के कवर्स वगैरह पूरा पॉल्यूशन करके रखा हुआ है। इंडियन से भाई कभी भी नहीं सुधरेंगे। चलो कोई ना, अगर आप लोग भी इस वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कुछ भी खाने से या कुछ भी फेंकने से पहले डस्टबिन कवर यूज़ कीजिए। यहाँ पे स्केटिंग वगैरह भी होता है शाम को, देख लीजिए एक बार। अभी टाइम हुआ है शाम का 5:30, मज़ा आ गया। बड़ा पार्क स्केटिंग भी देख लिया बच्चे लोगों का, और भी मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया स्केटिंग देख के। मैं यहाँ पेंदुरती में रहता हूँ तो बुक कर लेता हूँ कैब, नहीं तो रैपिडो ओला बुक कर लेता हूँ, कुछ भी बुक करके फिर रूम चलता हूँ सीधे। ओला बाइक और 2-3 मिनट्स में आ जाएगा। तो मेन गेट से एंट्रेंस होते ही आपको 4-व्हीलर 2-व्हीलर पार्किंग मिल जाएगी। 2-व्हीलर पार्किंग वहाँ से जाने से 4-व्हीलर पार्किंग है, सब कुछ मिल जाएगा। मैं वो गेट से एंट्री हुआ था उस टाइम, तो वहाँ से कुछ भी एंट्री मतलब गाड़ी का कुछ भी एंट्री नहीं है, तो इस तरफ आना पड़ेगा आपको, मेन एंट्रेंस से आना पड़ेगा। कुछ इस तरह दिखेगा आपको मेन एंट्रेंस। स्मार्ट सिटी पार्क, मेरा ओला बाइक यहाँ पे आ गया और जा रहे हैं, राइड का भी शुरुआत हो चुका है, जा रहे हैं अपना रूम के पास। यहीं से 17 किलोमीटर दूरी पे है अपना रूम, तो मज़ा लेते हैं वाइजाग ट्रैफिक का और चलते हैं स्लोली स्लोली। फाइनली रूम पे पहुंच गया। तो जो ब्लॉग है यहीं पे फिनिश करते हैं। अब सबको वीडियो पसंद आने से लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे वाले आइकन को प्रेस कर देना न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग पे, बाय बाय।